की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम की जय। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी की शुभकामनाओं के साथ आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई 5 अगस्त को संपूर्ण विलय दिवस के रूप में मनाने की परंपरा को जारी रखते हुए आज हम तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। यहां पर तिरंगा रैली जम्मू के मुख्य चौराहों से होती हुई यहां पर समापन होगी हमारे जो है महाराजा डोगरा रियासत के महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा स्थल पर। आज हमें गर्व हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को यहाँ पर भारतीय संविधान को लागू किया गया, भारतीय शान, भारतीय तिरंगा, भारतीय निशान यहाँ पर लागू किया गया, जिससे आज हर जम्मू कश्मीर वासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। इसके साथ ही आप लोगों के माध्यम से हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि जम्मू के हितों की रक्षा के लिए, डोगरा संस्कृति की पहचान के लिए, जम्मू संभाग के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। उसको ख़त्म करने के लिए हम जम्मू अलग करने की मांग को आज दोहराते हैं। जम्मू की को विधानसभा सीटों के अंदर पूरा हक दिया जाना चाहिए। जम्मू की विधानसभा सीटें 37 से बढ़ाकर 50 की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो हमारे POK रिफ्यूजी भाई हैं, देखिए रिफ्यूजियों के लिए विधानसभा के अंदर हमने आरक्षित सीटें रखी हैं। यहाँ पर लाखों की तादाद में हमारे POK के रिफ्यूजी भाई हैं, उनके लिए जो फ्रीज की गई हैं सीटें उनको डीफ्रीज किया जाना चाहिए। ये हमारी तमाम मांगों के हक में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए, नहीं तो जम्मू में भी खेला होगा।